मेरठ में नवीन गुप्ता का किया स्वागत। वहीं आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को संयुक्त व्यापार संघ के नव निर्वाचित अध्यक्ष नवीन गुप्ता का स्वागत किया गया। स्वागत के बाद उन्होंने कहा कि वो हमेशा व्यापारियों के हित के कार्य करेंगे। इसमें मौके पर मौजूद रहे एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल पुंडीर, महामंत्री विक्रांत गोयल आदि मौजूद रहे। सर, ये जो व्यापारी मीटिंग हुई है, क्या मामला है, पूरा किस मामले को लेकर मीटिंग हुई है? ध्यानचंद नगर इंडस्ट्रियल एरिया है ये, यहाँ जो इनकी एसोसिएशन बनी है, इन्होंने संयुक्त व्यापार संघ के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को अपने मध्य बुलाया है और जो इनकी कुछ समस्याएं हैं उसकी और इन्होंने अपना ध्यान दिलाया है। जैसे अभी दो दिन पहले एक कोई फर्जी पत्रकार बनकर यहाँ पर आया और उसने एक निर्माण होते हुए भवन को ये कहकर कि बिना नक्शे के, बिना अवैध तरीके से बन रहा है, उससे अवैध वसूली की मांग की। उसको यहाँ के लोगों ने रोक लिया और रात्रि में उसने थाना ब्रह्मपुरी में परसों रात्रि माफीनामा लिख कर दिया, तब इन्होंने उसको माफ किया। ऐसे फर्जी पत्रकार पिछले कुछ समय से, कुछ माह से यहाँ बराबर आते रहे हैं और कुछ लोगों का उत्पीड़न करके, अवैध उगाही करके ले जाते रहे हैं। इन्होंने ये समस्या हमारे संज्ञान में दिलाई है। ध्यानचंद नगर एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, सरकार को राजस्व बड़ी मात्रा में देता है, यहाँ की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, यहाँ कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, इस सब की और इन्होंने हमें ध्यान दिलाया है। इसलिए और हमारा अभिनंदन करने के लिए इन्होंने बुलाया। हमने कहा कि अभिनंदन, आपने जो किया उसका हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन आपकी जो समस्याएं हैं इसके निराकरण के लिए हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से मेजर ध्यानचंद नगर में इंडस्ट्रियल एरिया में कोई भी कथित फर्जी पत्रकार कोई अगर आता है तो आप हमको बुलाएं, किसी के उत्पीड़न का शिकार ना हो, जहां यह सफाई, सुरक्षा और नाली सड़क की व्यवस्था है उसको भी कराने के लिए हम लोग आपका प्रयास करें। ऐसे पत्रकारों के खिलाफ सरकार से आप क्या चाहते हैं? ऐसे पत्रकार के खिलाफ जो फर्जी पत्रकार हैं, जो सही काम करने वाले पत्रकार हैं, जो वास्तव में पत्रकार हैं, वास्तव में प्रेस में काम कर रहे हैं, उन लोगों की जो छवि खराब करते हैं, मैं तो आपसे भी ये निवेदन करता हूं कि आप लोग भी हमारे साथ मिलकर उन तथाकथित फर्जी पत्रकारों के खिलाफ कार्यवाही कराने में हमारा सहयोग करें। उनको जो दंड मिलना चाहिए, उनको जो जेल जाना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए, उसमें भी आप हमारे सहयोगी।